हेलो फ्रेंड्स, मैं नाम अमृता, मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आज जो है दिन है 15 अगस्त का और आज है हमारा स्वतंत्रता दिवस। आज मैं जो आज़ाद हुए हैं 75 वर्ष से और आज पूरा देश मना रहा है 76वां स्वतंत्रता दिवस। तो आप सभी लोगों को, सभी देशवासियों को जो है स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हम आ चुके हैं अल्लाहगंज वाले स्कूल में, न्यू ग्रेड कॉलेज, इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज, और जो है यहाँ पे आज प्रोग्राम होने वाला है काफ़ी सही। इस बार जो है देश का माहौल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। पूरे देश में एक अलग तरह का ही जोश देखा जा रहा है। जो मोदी जी का अभियान था हर घर तिरंगा अभियान, उसके अंतर्गत जो है उसी की वजह से जो है इस बार हलचल, चहल पहल और रौनक कुछ ज़्यादा है। आज भी स्कूल आ रहे थे तो रास्ते में सैकड़ों बच्चे, हजारों बच्चे जो हैं लोग जाते हुए दिखे, जिनके हाथों में तिरंगा था या जो भी गाड़ी थी मोटरसाइकिल वाले थे उनके हाथों में उनके मोटरसाइकिलों पे भी झंडे थे। तो इस बार की रौनक जो कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। एक रीज़न ये भी हो सकता है, पिछले दो बार से स्कूल वगैरह नहीं खुले थे 15 अगस्त पे, तो अभी लगभग 30 साल के बाद जो मौका मिल रहा है तो माहौल काफ़ी सही है। आपको जो है आज इस ब्लॉग में उसी के बारे में सब कुछ बताना है, दिखाना है। डिग्री कॉलेज में तो जो है ध्वजारोहण हो गया। डिग्री कॉलेज में बच्चे 10-5 बच्चे आए थे, लेकिन जो इंटर कॉलेज में प्रोग्राम सही से हो रहा तो बच्चे भी ज़्यादा है। तो अभी आपको भी दिखा रहा हूँ। अभी जो है यहाँ पे राष्ट्रगान होने वाला है, पूरी जो फील्ड भर गई आज बच्चों से, बच्चे वो ज़्यादा स्कूल में आए, चारों तरफ जो है बच्चे दिख रहे हैं, बच्चे के साथ में तिरंगा झंडे भी। अमर रहे अमर रहे।
एवं प्रबंधन महोदय निवेद इस कार्यालय से निकाले खींचेगी वीडियो बन रहा
आज जो है काफ़ी दिनों के बाद जो काफ़ी सालों के बाद दिनों के बाद नहीं काफ़ी सालों के बाद न्यू ग्रेट स्कॉलर सेंटर कॉलेज में स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम जो है सही तरीके से हुआ है। हर बार हल्का ही होता था या फिर बहुत कम होता था, इस बार जो काफ़ी धूम धड़ाके के साथ जो है प्रोग्राम हुआ है, तो मज़ा भी काफ़ी ज़्यादा, बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा आए थे। करीब 500 से ऊपर ही बच्चे हुए। नॉर्मली स्कूल आने वालों की संख्या 450 होती है, लेकिन आज 500 से ज़्यादा बच्चे थे। उसमें कुछ जो डिग्री कॉलेज के भी बच्चे रहे हुए, बच्चे 500 या 600 के आसपास रहे हुए, डिग्री कॉलेज के भी बच्चे थे उसमें। रोहित ने जो है आज जो है मंच संचालन काफी अच्छी तरीके से किया, जो है पोर्ट्रेट मोड में कुछ बोलना चाहेंगे, बता रोहित क्या भावना है आपकी स्वतंत्रता दिवस को लेकर? बच्चों के प्रति जो प्यार और स्नेह दिखा है अध्यापकों में, उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो प्रेम दिखाया अध्यापकों जो है, इसी तरीके से 26 जनवरी अगला जो प्रोग्राम आ रहा है तो उसमें भी इसी तरीके से जो है प्यार स्नेह बच्चों के और अध्यापकों के बीच में रहे और प्रोग्राम अच्छा बने, सुंदर बने, शोभायमान बने, जिससे कि अखबारों में और आगे कहीं मीडिया इंडिया में भी नाम चले कि हाँ विद्यालय में कोई प्रोग्राम हुआ। तो अभी जो है टाइम लगभग 2:45 के आसपास हो गया, सभी लोग अभी चल रहे हैं ढाबा पे खाना खाने के लिए, भूख भी लगी, 7:30 के आए हुए हैं। हमारी एक दो पार्टी ड्यू थी भाई बच्ची, उसी को देने के लिए आज जा रहे हैं पार्टी को ढाबे पे। भरवाजी 2 घंटा पहले से चल रही जाती व्यवस्था। हां तो आउट प्रोग्राम नहीं, हम आगे 26 जनवरी के लिए जो अभी ताबत 14 मीटर बढ़ा दो। तो जो है खाना पीना खा लिया है, फिर सभी लोग खा रहे हैं सब। तो जो है स्टाफ मेंबर्स पूरे 14 लोग आए थे, खा पी कर सभी लोग जो है यहाँ से जाएंगे घर पर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है स्वतंत्रता दिवस वाला बहुत अच्छा लगा होगा। और जो हवा बहुत ही तेज़ चल रही है, तो उस वजह से जो है बोलना भी मुश्किल हो रहा है।